राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पंड्या और एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक की शादी टूट चुकी है। दोनों ने 18 जुलाई की रात को सोशल मीडिया पर अलग होने की पुष्टि की। दोनों ने 2020 में शादी की थी और इसके तुरंत बाद बेटे अगस्त का जन्म हुआ था। कोविड के दौरान दोनों की जल्दबाजी में शादी हुई थी, लेकिन 2023 में इन्होंने उदयपुर राजस्थान में धूमधाम से शादी की थी। इस दौरान हार्दिक ने नताशा के साथ अपनी बॉन्डिंग पर बात की थी, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। हार्दिक ने इशारा किया था कि नताशा के साथ रहना आसान नहीं है। उन्होंने कहा था, मुझे अब सब चीज़ों के हल मिलने लगे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे हल ढूंढना सिखाया। इसके साथ ही मैंने पहले से ज़्यादा धैर्य रखना भी सीख लिया है, क्योंकि नताशा के साथ रहने के लिए बहुत ज़्यादा धैर्य चाहिए। इसी वीडियो में नताशा ने हार्दिक से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, मैं दोस्तों के साथ क्लब गई थी, मेरा एक दोस्त हार्दिक का भी दोस्त है। तभी मैंने हार्दिक को आते देखा, वो हैट पहने हुए थे और कोई चमकीला शॉल ओढ़े हुए थे। इंडिया में इतने साल गुजारने के बाद मैंने कभी ऐसा इंसान और ऐसी पर्सनालिटी नहीं देखी थी। मैंने सोचा, ये कौन है? जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो आप हाथ मिलाते हैं, लेकिन हार्दिक गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। उस वक्त वो मेरा नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन बड़े फ्रेंडली हो गए थे और इसी तरह हमारी पहली मुलाकात हुई थी। हार्दिक ने 18 जुलाई को तलाक का अनाउंसमेंट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 4 साल साथ रहने के बाद नताशा और मैंने मिलकर अलग होने का फैसला किया है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।